इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे गोश्त की मटन दम बिरयानी की ये जो मैरिनेशन कैसा करते, मसाला लगा के कैसा रखते हैं मटन को, वो आपको मैं आज दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप सबके साथ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये रमज़ान में बहुत बिजी रहते हैं। ये ऐसे ये थोड़े बहुत गोश्त को मसाले लगा के, जैसा मैं आपको कुटा हुआ गोश्त बताई थी वैसा बना के रखे तो थोड़ी सहूलत रहती हमारे को, जल्दी बनाने के लिए मिल जाता। तो आप लोग भी मेरे तरीक़े से इंशाल्लाह ताला बनाइए, देखिए सहूलत होती, इबादत करने का मौका मिलता, रोज़े भी अच्छे गुजरते इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल पर बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, सूफियानी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, कच्चे गोश्त की मटन दम बिरयानी, चिकन ज़ाफरानी बिरयानी, चिकन पुलाव, मटन पुलाव, बहुत सारे रेसिपीज हैं। आप लोग देख सकते हैं, जाके विजिट करिए मेरे चैनल पर। और यहाँ देखिए 1 किलो मटन है, बकरे का गोश्त है, 1 किलो अच्छा साफ वॉश कर ली मैं। अब इसमें हम ये हरा धनिया पुदीना डालेंगे। यहाँ देखिए ये हरी मिर्ची की टिकिया, मैं वीडियो अपलोड करी थी कैसा बनाना, ये हरी मिर्ची की टिकिया है। ये तली हुई प्याज अभी तल के रखी मैं, 2 मीडियम साइज़ की ऐसी प्याज ले लिए, 1 किलो मटन के लिए बता रही मैं आपको। और ये 200 ग्राम दही है, ये दही को भी डाल दीजिए इसमें। मसाले डालेंगे, देखिए 1 किलो मटन के लिए 2 चम्मच सॉल्ट, नमक लिए 2 चम्मच, और यहाँ 2 चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर है रोस्टेड, और यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, टर्मरिक है आधा चम्मच, और देखिए आपको मैं बताती हूँ, ये होममेड गरम मसाला है, मेरे चैनल पर है, आप लोग देख के बना सकते हो। 1 चम्मच गरम मसाला है। यहाँ देखिए वो वीडियो मिस हो गई मेरे से, सॉरी, ज़रा कॉपरेट कीजिए, रमज़ान शुरू हो रहा ना, गड़बड़ हो जा रही मेरे से। यहाँ देखिए मैं ये क्या करी, सब मसाले आपके सामने, गरम मसाला डाले तक बताई ना आपको, वीडियो देखिए। इसके बाद 1 चम्मच में ये हरी इलायची ली मैं, पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर ली। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर नहीं है तो 20 इलायची हरी लेकर आप उसको पाउडर बना के इसमें मटन में डाल दीजिए ऐसा, कि मैं क्योंकि डाल दी थी मैं, इसीलिए अब नहीं डाल रही, बता रही आपको सिर्फ, समझ सकते हो ना आप लोग, माशाल्लाह समझदार है। और हरी लाल मिर्च नहीं डाली थी मैं इसे, क्योंकि हम हरी मिर्ची ऑलरेडी पहले डाले थे हरी मिर्ची की टिकिया, इसीलिए मैं इससे 2 चम्मच लाल मिर्ची डाली इसमें, हो गया ना। अब इसके बाद फिर मैं क्या करी देखिए आप, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम नहीं डाले थे, ये 3 चम्मच डाली मैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 3 चम्मच ली मैं, आप लोग भी 3 चम्मच डाली अदरक लहसुन। डालने के बाद क्या करना, खट्टे के लिए मैं लेमन सॉल्ट डाली, नींबू नहीं डाली मैं, लेमन सॉल्ट ऐसा डाल दीजिए जितना आपको खट्टा होना है। उसके बाद पूरा मिक्स कर लीजिए इसको। और क्या करी मैं, इससे जो प्याज तले थे हम, ये तेल था इससे आधा कप तेल ली मैं, जो बचा हुआ था प्याज का तला हुआ, कुकिंग ऑयल बच गया था तो आधा कप हुआ था इससे, ये ऑयल भी डाल दी मैं इसमें पूरा, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर मैं क्या करी इसको अच्छी तरह मिक्स कर दी, मिक्स करके अब क्या करिए आप उसको एक अच्छे डब्बे में एयरटाइट कंटेनर में डाल के डीप फ्रीजर में रख दीजिए। आपका जब भी दिल बोला बिरयानी खाना, एक घंटा पहले निकाल के बाहर रख देंगे, नॉर्मल हो जाता ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता। उसके बाद फिर आप वो चावल उबाल के, खड़े मसाले डाल के सब, अब चावल उबाल के पहले मटन डालिए, लगन हो या पॉट हो, मटन डाल के उस पर चावल डालिए, चावल के बाद फिर आप असली घी डालिए और ज़ाफरान वाला दूध, ज़ाफरान है तो दूध में डाल के पूरा दूध डालिए, उसके ऊपर से तली हुई प्याज डालिए और हरा धनिया पुदीना डाल के 10 मिनट डायरेक्ट तेज आंच पे कुक होने के लिए रखिए। फिर 15 मिनट तवा रखना, एक बेकार मोटा तवा जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, वो तवा रख के फिर आप वो बिरयानी का जो भी हम कढ़ाई रख रहे
या पॉट रख रहे हो वो तवे पे डायरेक्ट रख के 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह दम देंगे, ठीक है ना। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों के सामने बता देते हैं ये भी काम करके, इसको मटन बकरे का मटन है ना तो पपई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा लेग पीस का मटन लाओ बोलिए, पपई लगाने की तो ज़रूरत अब तक नहीं पड़ी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसको पूरा मसाले के साथ मटन दाल दे के डीप फ्रीज़र में रख देंगे इंशाल्लाह ताला। आप 1 महीने के बाद बनाइए, 2 महीने के बाद बनाइए, 3 महीने के बाद बनाइए, ये मटन कभी भी ख़राब नहीं होता इंशाल्लाह। चलिए ख्याल रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देखिए वीडियो यूट्यूबर भी होना कितनी मुश्किल है, हम कैसा बनाते, हम रेसिपी कैसा बना के आप लोगों को दिखाते, कितनी तकलीफ़ होती, कितने बर्तन निकलते। एक तो रमज़ान भी आ रहा फिर, और वीडियो कभी ख़राब हो गई तो फिर से वीडियो बनाते, फिर से समझाते, बहुत मेहनत है इसके पीछे, आसान नहीं है यूट्यूबर बनना। कुकिंग के लिए तो बहुत बहुत मेहनत लगती है, मेहनत को ज़ाया मत करिए, मेरी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं हमारे साथ। आज मैं मटन दम कच्चे गोश्त की मटन दम बिरयानी बना रही हूँ, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप सबके साथ। मैं इसको मैरिनेशन कैसा करके रखते बताई थी मैं, वो वीडियो अपलोड करने वाली थी तो कोई भाई साहब कमेंट में मैसेज कमेंट कर रहे थे कि आप पूरी रेसिपी बताइए, ये ना कि सिर्फ मैरिनेशन बताए, पूरी रेसिपी बताइए आप हमारे को। तो मैंने चलो ठीक है, इसीलिए मैं वो रोक कर रखी थी बिरयानी का मटन मैरिनेशन कैसा करते हैं, वो वीडियो बनाई थी मैं, फिर भी मैं रोक दी ये वो कमेंट पढ़ के रोकी के इंशाल्लाह ताला जब बिरयानी बनाऊँगी तो पूरी रेसिपी शेयर करूँगी आप सबके साथ इंशाल्लाह ताला। आज मैं कच्चे गोश्त की मटन दम बिरयानी बना रही हूँ, आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं जैसा आप लोगों को मसाले बता रही हूँ, जैसा तरीक़ा बता रही हूँ, आप वैसे ही तरीके से मैं घर से बनाइए इंशाल्लाह, बहुत अच्छी टेस्टी दम कच्चे गोश्त की दम बिरयानी, कच्चे गोश्त की अच्छी बिरयानी बन के तैयार होती। चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं 8 या 10 दिन हो रहा मटन को मैरिनेशन करके मसाले लगा के बिरयानी ये मैं डीप फ्रीज़र में रख दी थी। मैं आपसे ये वीडियो में कह रही थी कि आप जितने दिन चाहो आप डीप फ्रीज़र में मसाला लगाकर मटन को रख सकते हो, और आपका जब दिल बोला आप बिरयानी बनाकर खा सकते हो। तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि मैं 8 से 10 दिन हो गया ये मटन को मैं मसाला लगाकर डीप फ्रीज़र में रख दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया, और आप देखिए इसमें कुछ भी फ़र्क महसूस हो रहा है, जैसा कि अभी अभी हम फ्रेश मसाला लगाकर बिरयानी बना रहे हैं। आप लोग ऐसा बना के मसाला लगा के भी रख सकते हैं, मेरा मतलब ये है बोलने का कि आप 10-15 दिन महीना भी रख सकते हैं डीप फ्रीज़र में मसाला लगा के, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और अच्छी होती टेस्ट पर। ये देखिए मैं मसाला लगा के पूरा मटन को रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। ये मसाला देखिए आप फ्रीज़र से तो 1-2-3 घंटे, आपको अगर दोपहर लंच में बनाना है तो मॉर्निंग सुबह में निकाल के रख देना आप, तो ऐसा पूरा मेल्ट हो जाता, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता ये मटन, ऐसा रख देना आप। रखे बाद क्या करना है देखिए, एक लगन लेइए, लगन लेके लगन में डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह, कच्चे गोश्त की बिरयानी बहुत अच्छी होती मटन दम बिरयानी, आप लोग ज़रूर बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो थोड़े थोड़े दिन को बनते रहती है अल्लाह के फजल से, इसीलिए मैं बार बार रेसिपी नहीं डालती मैं इसकी। अब ये मैरिनेशन करके रखी थी तो वो बनाई थी मैं वीडियो, तो अब कमेंट में बोले कि पूरी वीडियो बताओ, बोले तो ठीक है बोल के फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। ये देखिए 1.5 घंटा पहले चावल को अच्छा भिगा के रखिए, अच्छा ऐसा फूल जाना चावल। ये 1 किलो चावल
एक किलो से कम है, 6 कप है, टी कप। चावल को भिगा के सो करके रखिए आप, ये साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर ये गैस ऑन करेंगे फुल। ये एक पॉट रखिए, आधा पानी डालिए इसमें। और ये देखिए आप, दालचीनी है, सिनेमन स्टिक है, बेलीफ है, और ये तेज़पत्ता, ये शाहजीरा, ये शाहजीरा है 4 से 5 लौंग, दालचीनी, शाहजीरा 4 से 5 लौंग, तेज़पत्ता, ये डाल देंगे। अभी इसमें हमको नमक डालने का है। पहले से हम मसाले में नमक डालें ना, तो यहाँ पर देख के डालिए। जैसे कि 6 कप है ना, 1, 2, 3, 4 चम्मच, 6 कप चावल है तो 4 चाय के चम्मच से आप ऐसे इसमें नमक डाल सकते हो। इसके बाद फिर क्या करिए, ये विनेगर है, देखिए व्हाइट विनेगर है, ये डालेंगे थोड़ा इसमें। इसे चावल क्या है, चिपकते नहीं, खिले खिले होते अच्छे इंशाल्लाह ताला। हम इसे कवर कर देंगे, पानी पका पर चावल डाल के बताते। ये देखिए, ये पॉट को हम साइड पे रख देंगे पानी पकने के लिए। ये गैस ऑफ कर देंगे और यहाँ पर ये मटन की लगन रखेंगे, जो हमारे चावल जब बन गया बाद डालना रहता ना, तो इसमें क्या करिए आप, थोड़ा सा पूरे मसाले तो मैं ऑलरेडी डालती, प्याज भी डालती हूँ, थोड़ा शाजीरा है, देखिए ये साबित है, ये शाजीरा डाल देंगे इसमें से। और क्या मसाला होना है बताती मैं आपको। शाजीरा डाल के रख देंगे, इधर पानी गर्म होता रहता, फिर आगे का बताते। ये देखिए पानी पकना शुरू हो गया। मैं चावल है सो, ये चावल जो मैं भिगा के रखी थी, ये चावल डालेंगे जिसमें डाल। ये देखिए मैं पूरे चावल डाल दी मैं। अब ये चावल जैसा पकना शुरू होते ना, मैं एक कनी पे निकालूंगी, जैसा कि 60% पक जाना चावल 100 में से, पूरे नहीं गलाना, 50 से 60% ही तक ये गलाने का है। और ये जब पकना शुरू होंगे ना, तो मैं ये तेज पत्ते निकाल दूंगी। अब ये चावल डालते टाइम बताती हूँ आपको मैं। ये देखिए चावल पकना शुरू हो गए, और मैं यहाँ ये तेज पत्ता और लौंग निकाल दी मैं, इसको फेंक देने का है। अब हम क्या करेंगे, देखिए चावल में मैं बताती हूँ आपको कैसा है ना चावल, सख्त ही रहना 60% तक। देखिए ऐसा दो, एक में से दो टुकड़े हो जाना चावल के, ऐसा 3-4 नहीं होना। देखिए बस ऐसा रखिए चावल को, तो अच्छी फरेरी होती इंशाल्लाह ताला। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मटन है ना, ये मटन में हम ये गैस ऑफ कर देंगे चावलों की। और ये चावल लेके हम इसमें देखिए पानी ऐसा निथारिए, ऐसा फैला के डाल देंगे। और ये दालचीनी रहने दीजिए, इसमें अच्छी होती दालचीनी, टेस्ट अच्छा आता। चावल डाल दीजिए, चावल डाल के बताती हूँ, वीडियो बड़ी हो जाती। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे चावल डाल दी। ये ज़ाफ़रान है, पहले भी मैं डाली थी मसाले में ज़ाफ़रान डाली, और इसमें थोड़ा और अच्छा टेस्टी होती ज़ाफ़रानी बिरयानी, माशाल्लाह बहुत अच्छी होती। अब क्या करिए, मैं ये एक मग के करीब मैं पानी रखी गरम, ये चावलों में डालने के लिए। ये पानी भी डाल दिए साइड से, थोड़े चावल है इसके अंदर, ऐसा डाल दिए। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हमको ये असली घी है, असली घी देखिए आप, चलिए असली घी है तो डालिए आपके पास, अगर असली घी नहीं है तो डालडा घी भी आप डाल सकते। और यहाँ देखिए दूध है, 1.5 लीटर दूध डालिए, क्योंकि हम चावल थोड़े कच्चे कच्चे निथारे ना, 1.5 लीटर दूध डाल देंगे बस। अब सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब इसको तेज़ आंच पे 10 मिनट रखिए, तेज़ आंच पे रखिए 10 मिनट, ये वजन रख के रखिए।
अगर आपके पास हरा धनिया पुदीना है तो डालिया फ्रेश, मेरे पास नहीं है इसीलिए मैंने डाली, जब डाल दी थी मैं मसाले में, अब नहीं है। 10 मिनट तेज आंच पे बनाए, फिर उसके बाद बताती मैं आगे। देखिए 10 मिनट हो गया, मैं ये हाई फ्लेम पे डायरेक्ट 10 मिनट रखी मैं ये मटन दम बिरयानी को। देखिए स्टीम निकल रही नज़र आ रही होगी शायद आपको। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, लो करके ये है सो लगन हटाएंगे, यहाँ से हटा कर साइड पे रख के। मैं आपको हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, एक बेकार तवा जो रहता मोटा सा तवा आप ले लीजिए, ये बिरयानी दम देने पुलाव दम देने के लिए बहुत अच्छा रहता। अब ये तवे पे ये लगन रख देंगे, डायरेक्ट रखने से क्या होता है दाग लग जाता है, जल जाती बिरयानी। अब देखिए माशाल्लाह से स्टीम तो बन गई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अब दम होने का है तो इसको हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम पर रखिए 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर बताती मैं कि सही से दम हुई या नहीं हुई, बताऊंगी इंशाल्लाह। चलिए देखेंगे, 15 मिनट हो गया बिरयानी को मीडियम फ्लेम पे दम देते हुए, आइए मैं आपको बताती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही माशाल्लाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह। ये देखिए आप माशाल्लाह, ये देखिए कैसे खिले खिले से आम, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इंशाल्लाह, देखिए कितनी खिली खिली बनी माशाल्लाह से, देखिए खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, ज़ाफ़रान की असली घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही माशाल्लाह। करके बताती हूँ देखिए माशाल्लाह से कैसे खिले खिले दाने, बहुत अच्छी हुई ये। देखिए 7-8 आदमी खा सकते हैं इसमें माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बनी माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही असली घी की ज़ाफ़रान की। मटन अच्छा डाली इसमें, मटन अच्छा डालने से क्या है बिरयानी का मज़ा अच्छा आता, मटन कम रहा तो अच्छी नहीं दिखती बिरयानी, थी टेस्ट नहीं होती माशाल्लाह से। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही ये लीजिए माशाल्लाह से बिरयानी बनके रेडी हो गई। ये देखिए माशाल्लाह बिरयानी बनके रेडी हो गई, आप लोग खाइए खिलाइए बनाइए इफ्तार में इंशाल्लाह ताला। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी दिख रही, यहाँ रख के बता दी, देखिए आप बहुत अच्छी हुई, टेस्टी टेस्टी अच्छी हुई, आप लोग ज़रूर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मैं नहीं बोलूँगी, आप लोग की मर्ज़ी की बात है वो। अगर आप सबको मेरे रेसिपीज पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मर्ज़ी आपकी, ठीक है ना। ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।